आज तक पर पहली बार आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लंबे समय से आदित्य के चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही थी। धुले पहुंची शिवसेना की जन आशीर्वाद यात्रा, आदित्य ठाकरे ने दिया युवाओं के सवालों का जवाब। आदित्य ने कहा रेपिस्ट को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए, लड़कों को पांचवी क्लास से सिखाना चाहिए लड़कियों की इज्जत करना। एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने कल तक पुलिस कस्टडी में भेजा, टिकटॉक पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में नफरत फैलाने का आरोप। महाराष्ट्र के वाशिम में दिल दहलाने वाली घटना, मां और दो बच्चों की संदिग्ध मौत, खुदकुशी का शक। थाने में एंटी एक्सटॉर्शन सेल में तैनात है प्रदीप शर्मा, 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं। मुंबई में कांग्रेस का यूपी सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को बताया गलत। कांग्रेस के गायब विधायक श्रीमंत पाटिल का चला पता, एमएलए की सफाई, सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के अस्पताल में हुए भर्ती। मुंबई के सेंट जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भर्ती है कांग्रेस के बागी विधायक श्रीमंत, बेंगलुरु पुलिस मिलने पहुंची अस्पताल, मुंबई पुलिस ने रोका। सचिन तेंदुलकर आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये सम्मान पाने वाले सचिन छठे भारतीय। पांच सौ साठ अंकों की गिरावट के साथ 38,337 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी में 177 अंकों की गिरावट। एनपीए हुए मुद्रा लोन के तहत दिए गए 17,652 करोड़, कुल कर्ज के 2% के बराबर एनपीए। लिमिट से ज्यादा एनपीए बढ़ने पर बैंकों की मुश्किलों में होगी बढ़ोतरी, सेबी ने बदले नियम। रेल यात्रियों को सामान बेचने वाले वेंडर्स को देना होगा बिल, बिना बिल के नहीं मांग सकते दाम। रिलायंस जियो के साथ मई में जुड़े 81 लाख ग्राहक, वोडाफोन से 57 लाख ने तोड़ा नाता। अप्रैल जून तिमाही में करीब 37% बढ़ा एसीसी सीमेंट का मुनाफा, पहली तिमाही में कंपनी को हुआ 455 करोड़ का प्रॉफिट। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है व्हाट्सएप पे, आरबीआई नियमों का पालन करने को तैयार है फेसबुक। सोशल मीडिया पर बने अक्षय की फिल्म मिशन मंगल के मीम, 15 अगस्त को होगी रिलीज। अड़तीस साल की हुई प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया बर्थडे गर्ल का सेलिब्रेशन मूड में फोटो। बारह साल बाद बड़े पर्दे पर शिल्पा शेट्टी की वापसी, साथ में होंगे यामी गौतम और दिलजीत दोसांझ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।